सर्वर आपने डिप्लॉय कर दिया है साइक्लिक पे और ये चल रहा नहीं है, तो इसका जो एरर है वो इधर कॉन्सोल पे थोड़ी आएगा। यहाँ से आप जाओगे साइक्लिक पे, cyclic.sh, और साइक्लिक पे आप जैसे आप लॉगिन करते हो आप लॉगिन कर लोगे। गिटहब से लॉगिन कर लिया, ठीक है। मेरे पास ये तीन ऐप यहाँ पे डिप्लॉय हुई हुई है। ये वाली ऐप जो है लास्ट हमने जब सीखा था साइक्लिक तो ये वाली ऐप डिप्लॉय की थी। इस पर यहाँ क्लिक कर सकते हो या सेटिंग का जो गियर का बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करोगे, यहाँ लॉग्स में जाओगे, सही है। यहाँ लॉग्स में जाओगे तो इधर मेरे पास लॉग्स आ रहे होते हैं कि भाई इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा अब देखो, इसको मैं ओपन ऐप का बटन दबाऊंगा ना जब, तो ये ऐप ओपन होगी। ये तो तुम्हारी वाली ऐप है ना जो चल रही नहीं है, ये मेरी ऐप है जो चलनी चाहिए। अच्छा इसको मैंने क्लिक किया, ये खुल गई और इसने वो हेलो वर्ल्ड था हमारा तो वो इसने दे दिया मुझे बना के। देखो यहाँ पे कॉन्सोल आया, लिसनिंग ऑन सर्वर आ गया, ठीक है। जो मैंने कॉन्सोल डॉट लॉग पे जो बात प्रिंट की हुई थी, ये बात मैंने प्रिंट की हुई थी कॉन्सोल डॉट लॉग पे, तो वो यहाँ पे आ गई, प्रिंट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं जितनी बार इसको रिफ्रेश करूँगा ना उतनी बार सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी, उतने लॉग यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। ये देखो ये पिछले सारे लॉग ना इधर ये गेट की रिक्वेस्ट आई हुई है चार, तो वो सारे नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक हो गया। अब अगर कोई एरर आता है तो वो यहीं पर आएगा। जब आप अपनी मशीन में चलाते हो सर्वर को तो आपकी मशीन के टर्मिनल पे एरर आता है ना, जब आप साइक्लिक पे डिप्लॉय कर देते हो तो फिर एरर साइक्लिक के टर्मिनल पे आता है, क्योंकि अब ये सर्वर आपकी मशीन में नहीं चल रहा है, अब ये एक क्लाउड कंप्यूटर में चल रहा है। या तो साइक्लिक का होगा तो यहाँ आके देखोगे, अगर गूगल क्लाउड में डिप्लॉय किया तो गूगल क्लाउड के लॉग्स क्लाउड वॉच करके शायद है उनका, उसके अंदर आ रहे होते हैं, तो वहाँ जाके आपने देखना है। यहाँ पे एग्जैक्टली वो लिख के बता देगा कि क्या मसला है, जैसे आपकी मशीन में बताता है। अच्छा आप कह रहे हैं कि लोकल पे वो सही चल रहा है और साइक्लिक पे जाने के बाद वो बंद हो जाता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद आपने पोर्ट में कोई गड़बड़ कर दी हो, ठीक है। अच्छा पोर्ट में या तो गड़बड़ कर दी हो या तो स्टार्ट की स्क्रिप्ट आपने मिस कर दी हो, ये हो सकता है, या हो सकता है नॉट मॉड्यूल आपने साथ भेज दिया हो। इस तरह के बहुत सारे मसले होते हैं जिसकी वजह से सर्वर पर वो काम नहीं करता, तो ये आप देखेंगे और होपफुली आप जब लॉग उसके चेक करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा कि वो क्यों नहीं चल रहा, आपको लिख के बता देगा वहाँ पे वो लॉग में एरर क्या है। अच्छा जी वापस आ जाते हैं, हमने लास्ट क्लास में जो सीखा था कि एक एक्सप्रेस का सर्वर हमने गूगल क्लाउड पे कैसे डिप्लॉय करना है, ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। अच्छा और उससे पिछली क्लास में हमने सीखा था कि भाई साइक्लिक पे कैसे डिप्लॉय करना है, और हमने एक छोटी सी एक वेदर ऐप बना ली थी एक डमी डेटा के साथ, ठीक है। एक छोटी सी वेदर की ऐप हमने बना ली थी एक डमी डेटा के साथ और उसको हमने हर जगह डिप्लॉय कर दिया था। तो ज़रा इसको मैं चला के देख लेता हूँ एक दफ़ा, जो लास्ट मैंने चीज़ बनाई थी। इसको चलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। हाँ मैं ऑलरेडी इस फोल्डर में मौजूद हूँ, और मैंने कहा कि npm रन dev, ठीक है जी। ये चल गया मेरे पास, लोकल मशीन पे चल गया ये। और npm रन dev करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको ज़रा लोकल होस्ट 3000 पे ये चल रहा है तो ज़रा चला के देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह की ऐप हमने लास्ट क्लास में बना ली थी अपने पास, ठीक है जी। और ये क्या करती थी ऐप, ये ऐप ये करती थी कि जब इस पर मैं कोई भी सिटी का नाम लिख के भेजता था और एंटर करता था यहाँ से, तो रिटर्न में मुझे एक डेटा मिलता था मेरे सर्वर से। ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये मेरे अपने सर्वर से ये डेटा आ रहा है। अगर मैं नेटवर्क के टैब में यहाँ पे जाऊँगा, मैं नेटवर्क की इंस्पेक्शन करूँगा अगर, और यहाँ पे गेट वेदर का बटन दबाऊँगा, तो आप ये देखें ये मेरे पास मेरे सर्वर पे ही ये रिक्वेस्ट गई है, ठीक है। अगर आप इस रिक्वेस्ट की इंस्पेक्शन करेंगे यहाँ पे क्लिक करके, तो आपको ये बता रहा है कि रिक्वेस्ट URL क्या है, localhost3000/weather/Karachi, ये इसका जो है ना URL है जिस पर ये रिक्वेस्ट गई है बटन प्रेस करने से। और इसका जो रिस्पांस आया है वो ये आया है, ठीक है। प्रीव्यू पे करूँगा तो ये रिस्पांस इसका आया है। तो ये वाले रिक्वेस्ट के ज़रिए ये मेरे पास जो है ना क्या हुआ है, ये इस पर थ्रॉटलिंग लगी हुई है, इसको मैं बंद कर देता हूँ थ्रॉटलिंग को, ठीक हो गया जी। तो ये हमने लास्ट बना लिया था। अच्छा ज़रा इसको ज़रा आके देख लेते हैं कोडिंग में कि कोड हमने क्या लिखा है। मेरे पास मेरे सर्वर में दो राउट्स बने हुए हैं, एक बना हुआ है /profile। /profile क्या करता है, एक सिंपल सा मुझे लाइन भेजता है लिख के कि भाई दिस इज़ प्रोफाइल। और जो
स्लैश वेदर और स्लैश सिटी नेम ये मुझे क्या करता है, ये कंडीशन चेक करता है कि भाई कौन सा वाला इस वक्त सिटी है जो यूज़र ने भेजा है एज ए इनपुट, और मुझे उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, एक वेदर का डेटा भेज देता है। मेरे पास वेदर डेटा के अंदर दो सिटी का जो है ना डमी वेदर डेटा मौजूद है जो कि फिक्स है, जो कि कभी चेंज नहीं होगा। जब जब कराची लिखूंगा मुझे यही 30 डिग्री मिलेगा, जब जब मैं लंदन लिखूंगा यही मुझे 5 डिग्री का डेटा मिलेगा। तो ये दोनों मेरे पास यहाँ पे फिक्स डेटा मौजूद है, और मैं क्या करता हूँ डिपेंडिंग ऑन के बंदे ने कराची लिखा है या लंदन लिखा है, मैं ये वाला उसको डेटा भेज देता हूँ। अगर इसमें से कोई सा भी नहीं है तो मैं क्या करता हूँ उसको 404 भेजता हूँ कि जी वेदर डेटा इज़ नॉट अवेलेबल फॉर जो भी उसने सिटी का नाम लिखा है, उसका नाम यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हमने काम कर लिया था। अच्छा अब हमने सर्वर को आज मज़ीद आगे प्रोसीड करना है सर्वर वाली चीज़ पे कि जी अगर मुझे एक अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार इसके बाद अगला क्या पढ़ाना चाहिए, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है नेक्स्ट। मैंने जो है ना ये छोटा सा सिलेबस एक बना लिया है 5 मिनट लगा के। अच्छा जो हमने एक्सप्रेस में चीज़ें पढ़नी है वो ज़रा स्ट्रीमलाइन कर लिए मैंने ताकि हम इसी को फॉलो करें इसी को। अच्छा इसमें हमने हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस का सर्वर बना लिया, उसको हमने रन करके देख लिया है, उसको हमने क्लाउड पर डिप्लॉय करके देख लिया, हमने छोटी मोटी एक या दो API बना के उसको फ्रंट एंड से हमने इंटीग्रेट करके देख लिया है, हमने फ्रंट एंड को होस्ट करना सीख लिया है एक्सप्रेस के अंदर। ठीक है, हमारी जो फ्रंट एंड की जो HTML की फाइल थी उसको हमने एक्सप्रेस पे होस्ट करना सीख लिया है, इससे पहले हम GitHub पेजेस या Firebase होस्टिंग के ऊपर उसको होस्ट करते थे। अच्छा अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है इस आउटलाइन के मुताबिक कि एक्सप्रेस की API जो हम बनाएंगे उसमें यूज़र का जो इनपुट मेरे पास आएगा ना वो किस किस तरह से आ सकता है। अच्छा वैसे तो तरीके काफ़ी सारे हैं लेकिन मोस्ट कॉमन जो है ना वो ये 3-4 तरीके हैं जो यहाँ पे हमने जिक्र कर दिए हैं। URL पैरामीटर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ज़रा हम वो एक दफ़ा और नज़र मार लेंगे। क्वेरी पैरामीटर क्या होते हैं और कब इस्तेमाल होते हैं और किस तरह से इसको लिखा जाता है, और रिक्वेस्ट की हेडर और रिक्वेस्ट की जो बॉडी है इन दोनों में भी डेटा आपके पास आ सकता है। तो ज़रा हम आ जाते हैं भाई और हम देख लेते हैं कि जी सबसे पहले URL पैरामीटर जो है, अच्छा URL पैरामीटर जब आपको मिलेगा ना API के अंदर, जैसा कि हमने लास्ट वो सिटी का नेम यहाँ पे लिया था ऐसे करके, अच्छा तो इसको लिखने का तरीका इस तरह से ही होगा। ठीक है, अच्छा अगर आपको दो पैरामीटर लेने हैं तो आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे सिटी का नाम भी लेना चाहते हैं और आप एक और भी लेना चाहते हैं कि इसकी ईस्ट या वेस्ट साइड, समटाइम होता है ना सिटी के दो साइड्स होते हैं, तो आपने यहाँ पे ले लिया साइड। तो अब जब इस API को बंदा कॉल करेगा ना तो बंदा इसको कैसे कॉल कर रहा होगा कि भाई URL होगा जो भी बेस URL है मेरा, और उसके पास स्लैश करके लिखेगा बंदा कराची और स्लैश करके लिखेगा वेस्ट। तो इस तरह से ये API कॉल होगी, अदरवाइज़ ये API कॉल नहीं होगी। अगर मैं इसमें वेस्ट नहीं लगाऊंगा तो ये API हिट नहीं होगी क्योंकि इसमें यहाँ पे साइड जब तक नहीं मिलेगी इसको जब तक नहीं होगी। अच्छा अब ये बंदे ने लगा दिया स्लैश करके यहाँ पे वेस्ट करके लगा दिया, अब ये नीचे इसको मिलेगा कैसे मुझे डेटा, नीचे डेटा मुझे लेने के लिए रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स करके ना मुझे ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स करके सिटी नेम, ठीक है डॉट सिटी नेम और रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट साइड, इस तरह करके मुझे ये मिलेगा। अब मैं इसको कंसोल करा दूँ या जो भी करा दूँ मेरी मर्ज़ी है वो इसको मैं फ़िलहाल क्या कर देता हूँ कंसोल करा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कंसोल करा दिया। कुछ इस तरह से मैंने क्या कर दिया इसको कॉन्सोल करा दिया। अब जब ये API हिट होगी ना तो मुझे इस तरह से ये कॉन्सोल में बात ये वाली मिलेगी। तो इस URL पैरामीटर की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने सारे इसमें पैरामीटर लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने अभी दो पैरामीटर लिया, आप चाहें तो एक ले सकते हैं, चाहें तो आप दो ले सकते हैं, चाहें तो आप तीन ले सकते हैं। अच्छा URL पैरामीटर जब हम भेज रहे होते हैं तो वो हम किस सूरत में भेजते हैं सर्वर को, जब मैं इनपुट अपना भेज रहा होता हूँ, ज़ाहिर है सर्वर आम तौर पे क्या होता है एक ब्लैक बॉक्स की तरह बिहेव कर रहा होता है कि जी कोई इनपुट आएगा सर्वर उसको सम हाउ प्रोसेस करेगा और रिस्पॉन्स दे देगा।
सर्वर ये कभी भी नहीं बताएगा यूज़र को, एक आम यूज़र को कभी भी सर्वर ये एक्सपोज नहीं करेगा कि उसने पीछे क्या किया है, किस तरह से आने वाली रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया है, ये सर्वर ये बात ये डिटेल नहीं बताएगा। सर्वर जस्ट इनपुट लेगा और आउटपुट दे देगा। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में ये ज़रूर लिख के देना होगा एज अ डेवलपर मुझे कि इसमें इनपुट कैसे देते हैं, इनपुट देने का तरीका क्या है सर्वर पे, वो मैं लिख कर दूंगा। जैसे मैं बताऊंगा भाई कि स्लैश वेदर स्लैश कराची और स्लैश वेस्ट, ऐसे करके आप कॉल करोगे तो ये API कॉल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं API डॉक्यूमेंटेशन। तो API डॉक्यूमेंटेशन मैं बनाकर दूंगा, उस API डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए मेरा जो यूज़र है या मेरा जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो उसको कॉल करेगा और उसको जवाब मिल जाएगा। लेकिन मेरा सर्वर कभी भी ये एक्सपोज नहीं करेगा कि उसने पीछे क्या किया, वो सिर्फ मुझे पता होगा एज अ सर्वर डेवलपर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों एक ही बंदा बना रहा होता है, ठीक है, तो उस केस में फिर वो तो जाहिर है सारी चीज़ें एक ही बंदे के हाथ में। लेकिन अगर सर्वर मैं बना रहा हूँ और फ्रंट एंड कोई और बना रहा है, तो इवन फ्रंट एंड डेवलपर को भी ये पता नहीं चलेगा कि ये पीछे सर्वर पे क्या हो रहा है, एक आम यूज़र तो दूर की बात है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो इनपुट है ये मुझे किस सूरत में मिलेगा, ये मुझे उस सूरत में मिलेगा या ये इनपुट मुझे उस सूरत में भेजना चाहिए जब मेरा जो डेटा है जो मैं भेजना चाह रहा हूँ वो पब्लिक है। अगर वो डेटा अगर पब्लिक है अगर, तो मैं फिर इस तरह करके भेजूँगा उसको। अच्छा, URL में डेटा भेजने से क्या होता है कि जहाँ 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 से भी ये गुजरेगी ना रिक्वेस्ट, उसको URL तो दिख रहा होता है कि कौन सा URL है, जहाँ जहाँ से भी ये रिक्वेस्ट गुजरेगी उसको ये URL नज़र आ रहा होगा कि ये URL में क्या लिखा हुआ है। तो अगर मैंने लिख के भेजा है इसमें कराची वेस्ट, तो ये मिसाल के तौर पे मेरे रिक्वेस्ट निकली इस राउटर पे गई जिससे वाईफाई से मैं अभी कनेक्ट हूँ, इससे अगले फिर राउटर पे गई, वो पूरा हमने इंटरनेट जब हमने समझा था कि हाउ इंटरनेट वर्क्स और हाउ सर्वर वर्क्स, तो हमने देखा था कि किस तरह वो रास्ता बनाते हुए जाता है और फिर उसी रास्ते से रिस्पांस वापस आता है। तो उस रास्ते में जिस जिस नोड से ये होता हुआ गुजरेगा, ये मेरा ये रिक्वेस्ट जो मैंने भेजी है अभी, उस तमाम नोड को ये URL नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छे से आप समझ लें, URL पब्लिक होता है। अच्छा, अब URL के अंदर जो चीज़ होती है, नंबर एक तो बात ये होगी कि पब्लिक होना ज़रूरी है, नंबर दो बात आप बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि URL में ये भेजने का मतलब ये होता है कि वो URL परमानेंट हो जाता है। URL परमानेंट होने का मतलब ये है कि भाई अगर मैंने एक URL लगाया ना, जैसे मैंने कहा http://, और मेरा जो भी है abc.com है मिसाल के तौर पर, abc.com/karachi/west, abcweather.com मैंने कर दिया, ये मेरा URL है। अब जब मैं क्या करूँगा, ये URL भेजूँगा जब, तो सामने से मुझे वो क्या कहते हैं ये वाला रिस्पांस आ जाएगा कि जिसका वेदर क्या है। अब जब मैं ये वाला पेज कभी भी विज़िट करूँगा, जब ये वाला पेज मैं कभी भी विज़िट करूँगा, तो क्या होगा, होगा ये कि वो URL में क्योंकि आ रहा होता है, तो URL में कॉपी करके किसी को भी भेजूँगा ना, तो वो सेम जगह पर पहुँचेगा। अच्छा, मैं आपको उसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मैंने कहा github.com, सही है, github.com पे मैं चला गया। अच्छा, अब आप नोट करें कि जैसे ही मैं अपनी यहाँ से आता हूँ और अपनी योर प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यानी कि मेरी प्रोफाइल पे, तो आप देखें URL में क्या आ जाता है, मेरा यूज़र नेम लिखा हुआ आ जाता है। ये असल में क्या हो रहा है पीछे, ये असल में ये हो रहा है कि यहाँ पे कॉलन लगा के ना ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है यूज़र नेम, असल में सर्वर पे ये हुआ है। तो जो भी यहाँ पे बात मिलती है वो एज अ यूज़र नेम वहाँ पे पकड़ में आती है, और उसको यूज़र नेम को क्या करता है, वो वहाँ से मेरा यूज़र निकाल के भेज देता है। तो अब ये URL में किसी को भी भेजूँगा ना, तो वो इसी पेज पे पहुँचेगा डायरेक्ट, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो फ्रंट एंड का URL है और वो तो सर्वर का URL है। अब फ्रंट एंड में तो होम पेज हो सकता है, मैं बैक एंड पे API कॉल कर रहा, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, हम इसको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के URL को हम मैच करते हैं। हमने अभी क्योंकि सिर्फ HTML CSS वाला वेब पेज बनाया है, हम इंशाल्लाह अभी जब React वाला वेब पेज बनाएंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि इसका जो URL है फ्रंट एंड का, जो है राउटिंग जो हम कर रहे होते हैं वो हम कैसे करते हैं, हम पेज वाइज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जी URL में यहाँ पे जैसे contact.html लिखा हुआ होता है लास्ट में, लेकिन जब हम React पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसमें बाकायदा राउटिंग हम कर सकते हैं, जैसे सर्वर की राउटिंग कर रहे हैं सेम उसी तरीके से हम फ्रंट एंड पे अपने राउटिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों की URL को मैच करते हैं, हम दोनों की URL को मैच करने की कोशिश करते हैं। तो उससे होता क्या है कि फ्रंट एंड पे जब भी ये वाला URL हिट होता है ना, तो इसी को ही उठा के हम API में भेज रहे होते हैं,
इसी को ही उठा के हम एपीआई में भेज रहे होते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है एपीआई यूआरएल में फिक्स हो जाती है। अच्छा अब जी क्या चक्कर है मजीद, अब तो हमने ये देख लिया कि यूआरएल पैरामीटर हम जो भेजते हैं, एक तो पब्लिक डेटा होता है, दूसरा ये कि यूआरएल में अगर कोई चीज़ हमें फ़िक्स करनी है उस यूआरएल को, इसको एक चीज़ और भी आपने कभी सुनी होगी, अक्सर आपने ये लिखा देखा होगा कुछ जगहों पे, ये बात लिखी हुई नज़र आती है कभी कभी, ये परमा लिंक करके इस तरह की कोई स्पेलिंग होती है, ज़रा मैं इधर लिखूंगा ना तो आ जाएगा, ठीक है। ये परमानेंट लिंक को कहा जाता है। परमानेंट लिंक का क्या मतलब है कि जब भी मैं ना ये वाला यूआरएल हिट करूंगा ना तो मुझे एक ही चीज़ मिलेगी, ये परमानेंट यूआरएल है, ये टेम्प्रोरी यूआरएल नहीं है, ठीक है। टेम्प्रोरी अच्छा मिसाल के तौर पे आप देखें गिटहब वालों ने इस चीज़ को बड़े अच्छे से मैनेज किया हुआ है कि जी आप किसी भी रिपोजिटरी में आप जाते हैं ना तो आप देखें इस रिपोजिटरी का एक परमानेंट यूआरएल आता है। अब वो रिपोजिटरी का परमानेंट यूआरएल क्या है, मेरा यूज़र नेम उसके बाद उस रिपोजिटरी का नाम, तो ये एक परमानेंट यूआरएल मुझे यहाँ से मिलता है। अब मैं ये यूआरएल किसी को भी कॉपी करके भेजूंगा ना वो एग्जैक्टली इसी पेज पे पहुँचेगा, ठीक है। अच्छा तो ये परमानेंट यूआरएल इसको कह सकते हैं, जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो यूआरएल फिक्स हो जाता है, शेयरेबल हो जाता है, उसको असल में उसका ये नाम है परमानेंट लिंक। अच्छा अब दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है ना इनपुट और आउटपुट का, वो हमारे पास क्या है, क्वेरी पैरामीटर है। अच्छा क्वेरी पैरामीटर का चक्कर क्या है, क्वेरी पैरामीटर आपको मिलता है यूआरएल यहाँ ख़त्म हो गया स्लैश वेदर पे, और स्लैश वेदर पे यूआरएल ख़त्म होने के बाद आप क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट यहाँ पे लिखा कि जी स्लैश, अच्छा ये मैंने पहले मिस्टेक कर दी थी, स्लैश वेदर स्लैश कराची, तो ठीक है पहले मैंने डायरेक्ट कराची लिखा हुआ था, ये गलत लिखा हुआ था मैंने, ठीक है। तो अब मैं यूआरएल के आगे ना ये मुझे कराची और वेस्ट लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, अब मैं कैसे लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे डालूंगा क्वेश्चन मार्क, यानी यूआरएल जहाँ पे भी मेरा ख़त्म होता है, मेरा यूआरएल अभी स्लैश वेदर पे ख़त्म हो गया, चलो बल्कि स्लैश वेदर नहीं, इसको दोनों को मिक्स करके चलाते हैं, इसमें यहाँ पे मैं सिटी नेम को ऐड रखता हूँ, सिटी नेम यहाँ है मेरा, सही है, तो स्लैश कराची लिख दिया मैंने सिटी नेम, तो अब कराची पे आके मेरा यूआरएल ख़त्म हो गया, ये वो यूआरएल है जो मैं फ्रंट एंड से हिट करूँगा, ये वो यूआरएल है जो मैं फ्रंट एंड से हिट करने जा रहा हूँ। अच्छा यूआरएल ख़त्म होने के बाद मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद मैं क्या करूँगा, एक की लिखूँगा एक वैल्यू लिखूँगा, मिसाल के तौर पे मुझे वेदर किस तरह का डेटा चाहिए, क्योंकि वेदर में मेरे पास मैट्रिक भी हो सकता है, एक स्केल है जिस पे वेदर का डेटा देते हैं, ठीक है, मतलब जैसे मुझे अगर हवा चल रही है विंड स्पीड है तो वो किलोमीटर में आए या माइल में आए, अगर मेरे पास टेम्परेचर आ रहा है तो वो मुझे मेरे पास फॉरेनहाइट में आए या सेंटीग्रेड में आए, ठीक है, तो एक मैट्रिक होता है एक शायद एम्पीरियल होता है, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ यूनिट, ठीक है, इक्वल्स और मैट्रिक। अच्छा अब इसमें आप नोट कीजिएगा एक चीज़, यहाँ पे जो की है वो भी स्ट्रिंग उसमें नहीं लगाया मैंने, क्योंकि ये यूआरएल ऑलरेडी स्ट्रिंग होता है, इक्वल्स करके जो मैंने लिखा है मैट्रिक यहाँ पे, या एम ए टी आर जो मुझे नहीं पता क्या स्पेलिंग है, तो जो ये मैंने इसको भी मैंने स्ट्रिंग में नहीं लिखा है क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है, तो ये मैंने एक अदद क्वेरी पैरामीटर यहाँ पे भेज दिया। अच्छा क्वेरी पैरामीटर भी क्या है, क्योंकि यूआरएल का पार्ट है तो पब्लिक डेटा, तो ये भी है, ये भी डेटा जो है वो पब्लिक है और ये यूआरएल का पार्ट है, लेकिन ये आमतौर पे परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, आमतौर पे ये परमानेंट नहीं होता है। अच्छा इसमें क्या कर रहे होते हैं हम, एडिशनल कुछ अगर चीज़ हमें देनी होती है ना, यानी मेन इनपुट के साथ एडिशनल कोई इनपुट देना होता है, तो आमतौर पर उसके लिए हम क्वेरी पैरामीटर को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा क्वेरी पैरामीटर अगर मुझे एक और इसमें लगाना हो तो उसके लिए आप देखें आमतौर पर इस पाथ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितने क्वेरी पैरामीटर फ्रंट एंड से भेजूंगा वो सारे इधर एक्सेसिबल होंगे, रिगार्डलेस कि मैं सर्वर पे उसको एक्सेस करूं या ना करूं, फ्रंट एंड से कोई भी क्वेरी पैरामीटर भेजा जा सकता है, ठीक है। अच्छा अब ये एक पैरामीटर हो गया, अब मुझे एक और इसमें पैरामीटर अगर भेजना है क्वेरी पैरामीटर में, यानी दो भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, अब क्वेश्चन मार्क से तो कहानी शुरू हो गई है, अब आगे जो है ना इसके क्वेरी पैरामीटर ही लग सकते हैं, कोई और चीज़ नहीं लग सकती अब यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने यूआरएल में कुछ लगाना है तो इस क्वेश्चन मार्क से पीछे पीछे ही लगाऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन मार्क के आगे अब तमाम का तमाम क्या है, क्वेरी पैरामीटर वाला हिस्सा है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा एम परसेंट एक अदद, और एम परसेंट करके अब मैं एक और इसको भेजना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे साइड भेजना चाह रहा हूँ, साइड इक्वल्स वेस्ट,
ठीक है, अब मुझे एक और लगाना है, फिर एक एम्परसेंट लगाऊंगा मैं, फिर मैं लिखूंगा क्या, मिसाल के तौर पे कोई नंबर भेजना चाह रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा कि फोन इक्वल्स 123, एक नंबर भेज दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी भेज सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ट्रू फॉल्स भेजूँ, मैं नंबर भेजूँ, मैं कोई भी चीज़ भेजूँगा यहाँ पे, वो सर्वर पे मुझे एज अ स्ट्रिंग रिसीव होगा। अच्छा, इसको अब मुझे पकड़ना कैसे, चलो एज लिख देता हूँ यहाँ पे ना, एज लिख देता हूँ मैं 23 मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो मैंने देखो तीन भेजा, एक भेजा मैंने यूनिट, उसके अगेंस्ट भेजा मैंने मैट्रिक, एक भेजा मैंने साइड, उसके अगेंस्ट भेजा वेस्ट, और एक मैंने भेजा एज, उसके अगेंस्ट भेजा मैंने 23। तो पहला जो स्टार्ट होगा क्वेश्चन मार्क से होगा, उसके बाद हर पैरामीटर के बाद मैं एम परसेंट लगाऊंगा और दूसरा पैरामीटर भेजूंगा। अच्छा, अब मैं अगर इन तीनों को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा भाई रिक्वेस्ट डॉट, क्या किया मैंने, ये रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लिखूंगा मैं, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट यार ये सजेशन में क्यों नहीं आ रहा, मेरे पास सजेशन क्यों आना बंद हो गई, एक मिनट यार ज़रा इसको अलग से मैं देख लेता हूँ, मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा। बहुत ही सिंपल सा है वैसे तो ये, हाँ इसी तरह ही है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आई डी है, ऐसी है, पता नहीं क्यों सजेशन में देना उसने बंद कर दिया, दे ही नहीं रहा। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट साइड मैंने सबसे पहले यूनिट था ना, तो यूनिट को पकड़ देता हूँ, सही है ये यूनिट हो गया, और अगला मैंने क्या पकड़ लिया, साइड, ठीक है, और उसके बाद मैंने अगला क्या पकड़ लिया यहाँ पे, एज, सही है। तो ये तीनों क्वेरी पैरामीटर को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो परमानेंट लिंक का पार्ट होगा ना, वो हम यूआरएल पैरामीटर में ले लेते हैं, और बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं वो हम क्वेरी पैरामीटर में ले लेते हैं। इन दोनों के अंदर पब्लिक डेटा सिर्फ आ सकता है, इसमें प्राइवेट डेटा हम आमतौर पर नहीं भेजते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेरी पैरामीटर बनाना थोड़ा सा मुश्किल शायद लग सकता है आपको, इसके लिए हमारे पास एक अदर टूल है, इसका नाम है पोस्टमैन, ठीक है। जब भी आप एपीआई डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो ये टूल आपके पास होना चाहिए, इंस्टॉल हुआ हुआ आपकी मशीन में। तो उससे क्या होता है कि जी आप ना ये एपीआई कॉल वगैरह बड़े आराम से आप कर पाते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास ना एक पोस्टमैन रन हो रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं हमेशा, मेरे पास HTML का पेज मौजूद नहीं होता कि मैं उससे उसको हिट करके देखूँ, ब्राउज़र के URL बार में अगर जाके लिखूँगा तो वो हमेशा गेट की रिक्वेस्ट करता है। अब मुझे पोस्ट की रिक्वेस्ट अगर करनी है तो मुझे कोई टूल चाहिए, तो ये वो टूल है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, हर तरह की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और उसमें कुछ भी डेटा डाल के मैं भेज सकता हूँ, ये मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो मेरे पास अभी जो सर्वर चल रहा है राइट नाउ, वो चल रहा है लोकल होस्ट 3000 पे, राइट। लोकल होस्ट 3000 स्लैश कराची, सॉरी स्लैश वेदर, स्लैश वेदर स्लैश मेरे पास क्या है, स्लैश वेदर तक ही है शायद, ठीक है, स्लैश वेदर स्लैश सिटी नेम है, स्लैश कराची। अब मैं इतने को अगर हिट करूंगा, और ये गेट की रिक्वेस्ट है, मेरे पास क्या है, मेरे पास भी गेट है, सही है, इतने को मैं हिट करूंगा तो मुझे क्वेरी पैरामीटर्स में क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि मैंने भेजा नहीं है यहाँ से। मैं यहाँ से सेंड का बटन दबाता हूँ, देखो मुझे वेदर का डेटा यहाँ तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे मुझे
रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट सिटी नेम में मुझे कराची मिल गया, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट साइड में मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि साइड वाला यहाँ पे से मैंने हटा दिया है और ना मैंने वहाँ से भेजा है तो वो मुझे नहीं मिला। ठीक है, चलो साइड वाले को हटा भी देता हूँ मैं यहाँ से, इसका कोई काम नहीं है। एक क्वेरी पैरामीटर, एक यूआरएल पैरामीटर हमने भेजा था वो हमारे पास प्रिंट हो गया। अच्छा, अब मैं क्वेरी पैरामीटर ना जितने भेजूंगा उतने मिल जाएंगे, नहीं भेजूंगा नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा तो मैंने कहा यूनिट और साइड और एज। अब नोट करो ज़रा, इसके यूआई से फेमिलियर हो जाओ। ये टाइप है रिक्वेस्ट की, गेट पोस्ट पुट डिलीट हमने गेट करना है। ये यूआरएल लिखोगे यहाँ पे, ये सेंड का बटन है जिससे सेंड करोगे रिक्वेस्ट। उसके अलावा पैराम्स जो ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप आके जब भी लिखोगे ना यूनिट इक्वल्स टू मैट्रिक, तो ये आप देखो ऑटोमेटिकली क्या बना रहा है यहाँ पे, क्वेरी पैरामीटर ये बना रहा है। ठीक है, अच्छा यूआरएल पैरामीटर के लिए आपको शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, यूआरएल पैरामीटर तो आप हाथ से डायरेक्ट टाइप कर दोगे। मुश्किल असल में ये होता है क्वेरी पैरामीटर, कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, वह होता तो नहीं है, होता तो बड़ा आसान है, मैंने आपके सामने हाथ से ही लिखा था अभी। यूनिट इक्वल टू मैट्रिक कर दिया मैंने, और मैंने क्या करना था, साइड इक्वल्स टू वेस्ट, साइड इक्वल टू वेस्ट और एज इक्वल टू 23, मैंने ये बात करनी थी। तो ये देखें इसने ना पूरा वो बना के मुझे दे दिया। ठीक है, फ्रंट एंड से भी जब आप बनाएंगे तो वो जाहिर है आप यहाँ से देख लेंगे और उसी तरह से आप बना के भेज देंगे, यानी 23 की जगह आप जो वो कोई वेरिएबल लगाना चाहें तो आप लगा देंगे। यूआरएल तो हमें बिल्ड करना आता है, हमने वेदर ऐप जब बनाई थी उस वक्त हमने ये इतना करना सीख लिया था। तो ये यूआरएल पैरामीटर बना लिए मैंने, अब जब मैं इसको सेंड करूँगा ना अगेन तो मुझे डेटा तो स्टिल वही मिला, और लेकिन अब की बार यहाँ पे मुझे ये सारे क्वेरी पैरामीटर्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये इनपुट के जितने तरीके थे वो हमने एक्सप्लोर कर लिए। अब तीसरा तरीका जो है ना हमारे पास वो है हेडर्स। ठीक है, हेडर के अंदर भी हम कुछ चीज़ें भेज रहे होते हैं। अच्छा, हेडर के अंदर आप देखें 6 हिडन हेडर हैं। जैसा कि मैंने लास्ट आपको बताया था ना कि हेडर्स में क्या होता है, हेडर में एक तो होता है कि टाइप, कि कौन से टाइप की रिक्वेस्ट है ये, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हेडर में जो हम खुद नहीं देख रहे होते। तो अब हम आ जाते हैं ज़रा इसके रिस्पॉन्स में ना, ये पोस्टमैन जो है यहाँ पे से तो मैं ये रिक्वेस्ट बना रहा हूँ ना, ऑथराइजेशन, हेडर, बॉडी, प्री रिक्वेस्ट, ये सब नीचे जहाँ पे ये रिस्पॉन्स आया है ना इसका, इधर यहाँ पे भी ना आप देखें रिस्पॉन्स के भी हेडर्स आए हैं मेरे पास। जब मैं इस हेडर में जाता हूँ ना तो मुझे आप देखें ये दिखता है कॉन्टेंट की लेंथ 64, ठीक है, डेट उसकी, कनेक्शन ये है वो कीप अलाइव है या क्या चक्कर है, ये सारी चीज़ें। तो मुझे रिक्वेस्ट में भी हेडर जा रहा है और रिस्पॉन्स में भी एक हेडर आ रहा है। तो मैं अगर कोई चीज़ हेडर में डाल के भेजना चाहूँ तो भी मैं वो हेडर में डाल के भेज सकता हूँ। अच्छा, हेडर की कुछ चीज़ें ना यहाँ पे शो नहीं कर रहा वो, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप देखें ये लिखा हुआ है कैलकुलेटेड व्हेन रिक्वेस्ट इज सेंट, कैलकुलेटेड व्हेन रिक्वेस्ट इज सेंट। मिसाल के तौर पे हेडर में ये लिखा हुआ होता है कि इस पूरी पैकेट का साइज़ कितना है, तो वो तो मुझे अभी नहीं पता, वो जब मैं सब बातें लिख लूँगा जब पता चलेगा वो। तो वो कह रहा है कि जब आप सेंड करेंगे ना तो कैलकुलेट करके मैं साथ भेज दूँगा। तो फ्रंट एंड पे जो हम एक्सियोस की लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इसी तरह करता है कि जब बॉडी में और यूआरएल पैरामीटर में और जो भी चीज़ें आप लिख रहे होते हैं वो जब आप सारा लिख लेते हैं तो जब सेंड होती है रिक्वेस्ट तो एक्सियोस खुद ही कैलकुलेट करके वो हेडर के साथ भेज देता है। तो उन चीज़ों की टेंशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हेडर के अंदर भी डाल के ना मैं कुछ की वैल्यू यहाँ पर भी भेज सकता हूँ डाल के। ठीक है, हेडर भी पब्लिक होता है और हेडर के अंदर भी जो हम डेटा डालते हैं वो सब लोग देख रहे होते हैं उसको, जहाँ जहाँ से रिक्वेस्ट होके जाती है। अच्छा, हेडर के अंदर जब हम चीज़ डालते हैं ना वो असल में सेपरेशन ऑफ कंसर्न है। हेडर के अंदर जो चीज़ होती है वो इनपुट नहीं होता, वो काइंड ऑफ मेटा डाटा होता है। मेटा डाटा क्या चीज़ होती है कि डेटा के बारे में डाटा, ठीक है, तो वो काइंड ऑफ मेटा डाटा होता है। तो इसलिए अगर मुझे कोई इनपुट देना है तो वो मैं आमतौर पे हेडर में नहीं डालता, लेकिन स्टिल हेडर भी की वैल्यू पेयर है। अगर मैं कोई चीज़ हेडर में डालूंगा तो मुझे सर्वर पे एज इट इज़ मिलेगी। तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं, जो ऑथेंटिकेशन का टोकन वगैरह होता है ना वो हेडर में डाल के भेज रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हेडर स्टिल, आप अगर हेडर में कोई चीज़ डाल के भेज रहे हैं तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि वो सिक्योर है। हेडर भी क्या होता है, पब्लिक डेटा होता है, ठीक है, थोड़ा सा यूआरएल के मुकाबले में कम पब्लिक होता है। क्यों यूआरएल के मुकाबले में कम इसलिए कह रहा हूँ मैं कि यूआरएल तो लॉग भी होता है बहुत सारी जगहों पे, जैसे सर्वर से हो के गुजरा ना तो यूआरएल लॉग में सेव हो जाता है बाकायदा। जैसे अभी सैलानी में जो लगा हुआ है यहाँ पे सर्वर, यहाँ पे आप जितनी भी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं आपकी आईपी एड्रेस के साथ और जो यूआरएल आप विजिट करते हैं वो यूआरएल की एक लिस्ट तैयार हो रही होती है, ठीक है,
तो यूआरएल के अंदर अगर कोई चीज़ भेजते हैं ना अब, तो वो चाहते हुए या ना चाहते हुए ना वो कई जगहों पे सेव भी होती जाती है साथ साथ। लेकिन हेडर जो है ना वो आमतौर पे लॉग में इस तरह सेव नहीं करवाता कोई, क्योंकि हेडर में डेटा होता है थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। लॉग यूआरएल तो एक लाइन का होता है, तो हेडर जो है ना इस निस्बत से थोड़ा सा उससे कम पब्लिक है, लेकिन स्टिल पब्लिक तो है। अगर कोई इंटरसेप्टर लगा के बैठा होगा आपके इंटरनेट की तार में तो उसको ये हेडर नज़र आ रहा होगा। तो हेडर में आमतौर पर टोकन डाल के भेजते हैं। अच्छा, टोकन भी वो एक ख़ास अंदाज़ में उस टोकन को बनाया जाता है कि वो सिर्फ आपकी मशीन के लिए एक्सेप्टेबल होता है, वो किसी और मशीन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। अगर आपकी मशीन से ही वो टोकन जाएगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। किसी और की मशीन से अगर वो टोकन जाएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इस हिसाब से उसको तैयार किया जाता है। और लास्ट हमारे पास है बॉडी। अच्छा, इसको गेट करने का तरीका क्या है? इसी तरह रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स करके होता है ये। यार ये क्या चक्कर है, ये सजेशन देना इसने बंद कर दिया। किसी को पता है ये सजेशन देना बंद क्यों कर देता है? ये इस तरह करके हम गेट कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट होस्ट, रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट यूज़र एजेंट, इस तरह करके हम इसको लॉक इसको निकाल रहे होते हैं ना अपने सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स जब आप करते हैं ना तो पूरा आपको इस तरह का एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, इस तरह का पूरा आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स करके। अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट हेडर जो है ना उसको आपको क्या करना होता है, सम टाइम उसको पार्स वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जब ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेना यार, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लोगों ने देखो ये बताया हुआ है कि भाई रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स करोगे आप, और उसको आप ऐसे करोगे तो आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में ये पूरा ना मिल रहा होता है। स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंगिफाई करोगे दोबारा, दोबारा पार्स करोगे तो वो जेसन बन जाता है। तो इस तरह का कोई मामला है इसके अंदर, लेकिन वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, जो लास्ट है वो बॉडी है। बॉडी में कोई चीज़ डाल के भेजनी होती तो हम कैसे डाल के भेजते हैं? देखो यहाँ पे एक पैराम्स है, हेडर्स है, उसके बाद बॉडी है। बॉडी हमने कौन से टाइप की भेजनी है? हमने भेजनी है रॉ, सही है। और रॉ जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा कि कौन सी टाइप, हम कहेंगे कि जी जेसन, सही है। जेसन ये जावास्क्रिप्ट एक ही बात है, लेकिन हम जेसन सेलेक्ट करेंगे जो मोस्ट कॉमनली नोन है। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पे जेसन सेलेक्ट करूँगा ना, हेडर पे आप आओगे जब देखोगे तो यहाँ पे ना एक चीज़ इसने ऐड की हुई होगी, जिसको ये बोलता है कि ये क्या चक्कर है यार, खुद से नहीं ऐड कर रही। वेल, बॉडी में कुछ लिख के देखते हैं, शायद फिर उसके बाद ऐड करिए। हाँ, अब इसने देखो ऐड किया ना, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, सही है। कंटेंट लेंथ, के कंटेंट की लेंथ कितनी है, कैलकुलेटेड व्हेन रिक्वेस्ट इज सेंड, वो अभी नहीं कैलकुलेट किया इसने। तो बॉडी में कोई चीज़ मैं डाल के भेजता हूँ तो वो क्या होती है, वो सिक्योर होती है, वो रास्ते में कोई उसको रीड नहीं कर सकता, लेकिन एक शर्त पे। उसकी एक शर्त है, उसकी एक शर्त ये है कि आपका सिक्योर सर्वर होना चाहिए, SSL का सर्टिफिकेट उस पर लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी जो मैं इसको कॉल करता हूँ ना, मैं HTTP पे कॉल करता हूँ, इसके साथ S लगाऊंगा ना, ये मिलेगा ही नहीं, ये बोलेगा भाई ये तो सर्वर मौजूद ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे अभी इस वक्त जो सर्वर मैंने बनाया है उसमें SSL का सर्टिफिकेट लगा हुआ नहीं है। लेकिन जब मैं इसी सर्वर को साइक्लिक पे होस्ट करता हूँ तो आप नोट करेंगे कि साइक्लिक जो मुझे URL ला के देता है ना, वो HTTPS वाला URL होता है ना। तो साइक्लिक या आपका जो जो गूगल क्लाउड है, जब आप वहाँ पे इसको डिप्लॉय करते हैं ना, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो एक SSL का सेटअप खुद करके दे देता है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सम टाइम कुछ ऐसे भी फ्री क्लाउड प्रोवाइडर हो सकते हैं जो आपको वो एस ना प्रोवाइड करें, जो सिक्योर का जो एस है ना आपका, SSL जो सर्टिफिकेट होता है, वो आपको हो सकता है प्रोवाइड ना करे कुछ क्लाउड प्रोवाइडर। तो अगर वो एस लिखा हुआ नहीं आता, अगर आप वेबसाइट खोलते हैं और यहाँ पे ये ऐसे ताला बना हुआ नहीं आता, ठीक है, कनेक्शन इज सिक्योर लिखा हुआ अगर नहीं आता है, और यहाँ पे URL को जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे HTTPS अगर लिखा हुआ नहीं आता है, अगर यहाँ पे सिर्फ HTTP लिखा हुआ आ रहा है, तो इट मीन्स योर वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर। तो आप बॉडी में भी कुछ डाल के भेजेंगे तो वो भी विजिबल होगा,
जैसे हेडर विजिबल है इसी तरह बॉडी भी विजिबल होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, बॉडी में डाल के यहाँ से भेजेंगे कैसे भला, की वैल्यू पेयर है। हमने जब वेदर ऐप बनाई थी तो उस वक्त हमने बॉडी में डाल के भेजा था डेटा, बॉडी में कुछ डाल के भेजा था हमने, नहीं भेजा था। अभी एग्जियोस से हम उसको करके देख लेते हैं कि एग्जियोस से अगर कोई चीज़ मुझे बॉडी में डाल के भेजनी हो तो मैं कैसे डालता हूँ, ठीक है। वेल, यहाँ पे मैंने एक जेसन भेज दिया, ठीक है, रॉ पे क्लिक किया और यहाँ पे आगे जेसन पे क्लिक किया। अच्छा, यहाँ जो जेसन में क्लिक कर रहा हूँ ना, उससे क्या होगा कि ये हेडर वेडर सेट कर लेता है अपने ऑटोमेटिकली कि अच्छा जी जेसन भेजा जा रहा है। फिर दूसरा ये कि यहाँ पे अगर कोई मैं गलती करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे आके मिस्टेक कर दी अगर, ठीक है, तो मुझे ये बताता है कि यार ये आपने मिस्टेक कर दी है, ठीक है। क्या मिस्टेक की है, पहली लाइन में मैंने कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। तो नेम क्लास और रोल नंबर ये मैंने यहाँ से लिखा और मैंने लिख के ये कहाँ भेजा, मैं जब हिट करूँगा सेंड तो ये सर्वर पे चला जाएगा, सर्वर पे, लेकिन मैंने बॉडी को पकड़ा नहीं है फिलहाल। सेंड करूँगा चला जाएगा, रिस्पांस मेरा वही आएगा स्टिल जो पहले आ रहा था, क्योंकि सर्वर पे मैंने इस बॉडी से कोई लेना देना नहीं है मेरा। अच्छा, अब जब मैं सर्वर पे आके बोलूँगा कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैं अब क्या बोलूँगा इसको, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट और जो भी चीज़ें मैंने भेजी हैं नेम क्लास रोल नंबर, वो तीनों चीज़ें मुझे यहाँ मिलेंगी, नेम क्लास रोल नंबर, सही है, जस्ट लाइक दैट। ये तीनों चीज़ें मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन क्या मुझे ये वाकई अभी मिल जाएगी, सेंड करके देखते हैं। ये ना सिर्फ मेरे पास बॉडी नहीं मिली बल्कि मेरे पूरे सर्वर पे क्या हो गया, एरर आ गया, ठीक है। मेरे सर्वर पे क्या एरर आया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम। नेम जब इसने रीड करने की कोशिश की तो जिस चीज़ पे नेम लगाया जा रहा है वो ऑलरेडी अनडिफाइंड है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या है, अनडिफाइंड है। अच्छा, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्योंकि सिक्योर होता है तो उसको पार्स करना पड़ता है, उसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे हमें एक बात लिखनी पड़ती है, वो है ऐप डॉट यूज, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्या बात लिखी है, ये मैंने लगाया है बॉडी पार्सर, ठीक है, बॉडी को पार्स करने के लिए ये टूल इस्तेमाल होता है। अच्छा, बॉडी क्या हो सकती है, जेसन में भी है और जेसन के अलावा भी होती है बॉडी, वो भी हम देखते हैं और कौन सी बॉडी होती है, लेकिन हम जेसन वाला इस्तेमाल करेंगे, तो बाकी अगर आपको नहीं भी पता तो मसला नहीं है। अब जैसे ही मैं ये वाली बात लिख लेता हूँ तो मेरा सर्वर क्या हो जाएगा, सही चलने लग जाएगा और मुझे वो रिक्वेस्ट की बॉडी भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो क्या होता है पाइपलाइन मैकेनिज्म में, यहाँ से मेरा सर्वर शुरू हुआ, ऐप डॉट यूज़ ये एक मिडलवेयर फंक्शन है, इसके अंदर जब जाता है तो समहाउ ये क्या करता है, उस बॉडी को पार्स कर लेता है, ठीक है, अदरवाइज बॉडी अवेलेबल नहीं होगी। अगर मैं ये नहीं लगाता हूँ बॉडी मुझे नहीं मिलेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ से भेजूँगा जब रिक्वेस्ट, तो आप देखें यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के साथ ये नेम क्लास और रोल नंबर ना ये तीनों चीज़ें विजिबल हो गई हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, रिक्वेस्ट की जो बॉडी है वो जेसन के अलावा और कौन कौन सी हो सकती है, एक्सएमएल हो सकती है बॉडी, एचटीएमएल हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है बॉडी, ठीक है, कोई फाइल हो सकती है, फॉर्म डेटा हो सकती है बॉडी, यूआरएल इनकोडेड हो सकती है, और बाइनरी भी हो सकती है और ग्राफक्यूएल भी हो सकती है। बहुत सारी बॉडी की टाइप्स हैं अलग अलग, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो हम पढ़ेंगे REST API। तो REST API के अंदर क्या होगा कि हम JSON इनपुट और JSON आउटपुट के ऊपर बात कर रहे होंगे सारी। हम फॉर्म डेटा भी भेज सकते हैं। आपको याद होगा कि हम जब हमने HTML पढ़ा था तो उसमें जब हम फॉर्म का टैग लगाते थे तो उसमें साथ में एक एट्रीब्यूट होता था एक्शन और एक एट्रीब्यूट होता था मेथड। अगर मैं उस एक्शन के URL में अपने सर्वर का URL लगा दूं और मेथड में मैं लिख दूं पोस्ट या गेट जो भी, तो वो फॉर्म फिल करके जब मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा ना तो उस URL पे रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक चली जाती है। और वो रिक्वेस्ट कौन से टाइप की होती है, फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट होती है। वो रिक्वेस्ट जो है वो फॉर्म डेटा रिक्वेस्ट होती है। अच्छा, लेकिन वो वाला तरीका पुराना हो गया, वो वाले तरीके में बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे मुझे उस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती जैसी मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से वो वाला तरीका अब हम यूज़ नहीं करते फॉर्म डेटा वाला। स्टिल मैं जावास्क्रिप्ट से भी फॉर्म डेटा का रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, लेकिन अब जो ज़्यादा पॉपुलर है जावास्क्रिप्ट में और भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो जेसन इनपुट आउटपुट है।
तो हम इस वजह से इस क्लास में रॉ पे क्लिक करके ना जेसन को हम फॉलो करेंगे। अच्छा, अब पोस्टमैन की अच्छी बात ये है कि ये मुझे क्या कर देता है, ये मुझे इसका कोड भी बना के दे देता है एक्सियोस का। ठीक है, मैं क्या क्लिक करूँगा जाके, ये छोटा सा यहाँ पे मेरे पास देखें कोड का बटन आ रहा है, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे ना ये क्या कर देगा, कोड बना के दे देगा। क्योंकि जो बातें मैंने लिख दी हैं वो एक्सियोस में कैसे होगी, वो मुझे हाथ से लिखूंगा या मुझे ये बना के दे देगा खुद ही। तो मैं सी शार्प में कैसे होगा, डार्ट में कैसे होगा, गो में कैसे होगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के फेच में, जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी में, जावास्क्रिप्ट एक्सएचआर में, या एक्सियोस में, या रिक्वेस्ट में, या नेटिव में। रिक्वेस्ट करने की बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरीज़ हैं। जब बिल्कुल शुरू शुरू में जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड से हम क्या करते थे, हम एक्सएचआर रिक्वेस्ट करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद जेक्वेरी आ गई तो उसने बोला यार जेक्वेरी से अब रिक्वेस्ट कर लो, उन्होंने एक फंक्शन बना के दे दिया, ठीक है। फिर रिसेंटली क्या हुआ है, जावास्क्रिप्ट में एक फेच का एक बिल्ट इन फंक्शन ऐड हो गया है, उससे भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक एक्सियोस की लाइब्रेरी है, उससे भी कर सकते हैं। एक और लाइब्रेरी है रिक्वेस्ट के नाम से, जो अब डेप्रिशिएटेड हो चुकी है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और भी उसके अलावा ये जो जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, एक नॉट जेएस का एक नेटिव भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो भी एक्चुअली एक्सएचआर रिक्वेस्ट की तरह है। तो मैं इसमें से एक्सियोस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सियोस को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो इसने मुझे देखो क्या कोड बना के दिया। सबसे पहले तो मुझे इसने पकड़ा डेटा, और डेटा को ये स्ट्रिंगिफाई किया इसने। अबे ये कौन सी तरह का रिक्वेस्ट बना के दे दिया, नहीं भाई ये सही नहीं बना के दिया कोड इसने, छोड़ दो इसको, आ जाओ इधर। आ जाते हैं हम अपने किस में भला, फ्रंट एंड में आ जाते हैं। और फ्रंट एंड पे आके हम ये देख लेते हैं कि जो है ना ये एक्सियोस डॉट गेट में कर रहा था ना, अब मुझे करना पड़ेगा, जाहिर है जब मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट करूँगा तो जब ही मैं बॉडी में डेटा भेजूँगा, क्योंकि आम तौर पे जब हम गेट की रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें बॉडी खाली भेज रहे होते हैं, क्योंकि गेट करते हुए मुझे सिर्फ रिसोर्स का नाम बताना होता है, वो मुझे मिल जाती है, साथ में ऑथेंटिकेशन के लिए मुझे टोकन चाहिए होता है, वो मैं हेडर में रख के भेज देता हूँ। तो बॉडी आमतौर पर क्या होती है, खाली होती है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक नई चीज़ कोई बना लेते हैं हम इस ऐप के अंदर ना, कोई एक नया मंजन ऐड कर लेते हैं, जो पोस्ट वाला कोई काम इसके अंदर हम करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या कर लिया जाए ऐसा जो पोस्ट वाला काम हो जाए इससे, मिसाल के तौर पे कमेंट्स ऐड करवा देते हैं, सही है, कमेंट्स कि जी मेरा, इसको ज़रा ओपन करते हैं ना अभी कि कैसा दिखता है ये, मेरा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह का दिखता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जी कराची यहाँ पे लिखेगा बंदा और गेट करेगा वेदर, तो यहाँ गेट वेदर हो जाएगा। अब नीचे मैं बना देता हूँ एक कॉमेंट सेक्शन कि जो भी इस पेज पे आता है वो आगे इस पेज पे कमेंट कर सकता है, उसका कमेंट सब लोगों को विजिबल होगा, सही है, आसान है ये, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी, और आके जो है ना एक नई एपीआई मुझे ऑब्वियसली बनानी पड़ेगी, और फ्रंट एंड पे भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि जी यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और इसको मैं आईडी दे देता हूँ कॉमेंट, सही है। और कमेंट्स के अंदर आके मैं क्या बोलता हूँ, एक हेडिंग लगा देता हूँ पहले तो जी, सही है, एक हेडिंग लगा दी मैंने। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लगा देता हूँ इनपुट बॉक्स, जैसे कि वो फॉर्म होगा, एक्चुअली वो पूरा इनपुट बॉक्स तो क्या ही होगा, फॉर्म पूरा मुझे बनाना चाहिए जहाँ पे भी बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो फॉर्म मेरे पास ये वाला बना हुआ है पहले से, इसी को मैं कॉपी करता हूँ इधर और इसी को मैं पेस्ट करता हूँ इधर। सबमिट के ऊपर मैं बोलता हूँ कि भाई पोस्ट कमेंट, ठीक है, सबमिट के ऊपर मैंने बोला पोस्ट कमेंट, ऐसे करके मैंने बोल दिया, ठीक है जी, पोस्ट कमेंट हो गया। और सिटी नेम नहीं होगा इसमें, इसमें होगा जी योर कमेंट, बल्कि इसमें शायद मुझे लेबल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें मैं लगा दूंगा वो प्लेस होल्डर, एंटर योर कमेंट हियर, और आईडी इसको मैं दे देता हूँ कमेंट इनपुट, सही है। इसके लिए नेम की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, अब नेम की मुझे ज़रूरत है, नेम की मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बी आर लगा के जो मैंने ये सबमिट का बटन दबाया, बी आर की मुझे ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि वो कमेंट के बॉक्स के आगे ही बटन बना हुआ आ रहा होगा जी सबमिट, टाइप सबमिट कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने पोस्ट लिख दिया कि जी आप कमेंट क्या करोगे, आप पोस्ट करोगे, इसको रिफ्रेश किया मैंने आगे तो कुछ इस तरह से ही बना हुआ आ गया, यहाँ पे बंदा कमेंट टाइप करेगा और इधर पोस्ट का बटन दबा देगा, ठीक है। और
बस सब कुछ ठीक ही लग रहा है, कोई इसमें और कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अब इसका नीचे एक अदद फंक्शन बना लेता हूँ मैं। इसी फंक्शन को मैं क्या कर देता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ जो मेरा पहले का बना हुआ फंक्शन था, और इसका नाम मैं क्या कर देता हूँ, पोस्ट कमेंट। पोस्ट कमेंट के अंदर मुझे इनपुट बॉक्स से जो उठाना है वो क्या चीज़ उठानी है, ये वाला उठाना है, कमेंट इनपुट। ठीक है, कमेंट इनपुट मैंने उठा लिया। अच्छा, और शायद मुझे बंदे का नाम भी पूछना चाहिए ताकि मैं उसके नाम के साथ उसको करवाऊँ ना, डिस्प्ले करवाऊँ। मैं साथ में ना योर नेम भी पूछ लेता हूँ यहाँ पे। योर नेम भी मैंने पूछ लिया, मैंने कहा जी नेम इनपुट और कमेंट इनपुट। सही है, कमेंट इनपुट हो गया और नेम इनपुट हो गया। अब इन दोनों को मैंने सर्वर पे क्या करना है, पोस्ट करना है। तो मैं बनाऊंगा भाई एक्सियोस डॉट पोस्ट, और एक्सियोस डॉट पोस्ट बना के ना, अच्छा यार क्योंकि हम देखो ES6 पढ़ रहे हैं ना, तो अब ये कोड थोड़ा ES5 की तरफ ज़्यादा जाता जा रहा है, तो इस पॉइंट पर ज़रा मैं रुक के ना इसमें से ES5 वाले एलिमेंट ज़रा ख़त्म कर दूँ थोड़े। सबसे पहले ES5 का एलिमेंट तो ये विंडो डॉट करके ना, ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस फॉर्म को एक अदद आईडी देनी चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म को आईडी देके ना मैं इसमें इवेंट लिसनर करके लगाऊंगा, आईडी। और मैंने कहा पोस्ट कमेंट फॉर्म है भाई ये। ठीक है, पोस्ट कमेंट फॉर्म मैंने बना दिया। अच्छा, मैं सिर्फ इसी वाले को चेंज कर रहा हूँ जो अभी मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, जो पहले का लिखा हुआ फंक्शन है उसको मैं चेंज नहीं कर रहा, काम ताकि हमारा शॉर्ट शॉर्ट ही रहे। अच्छा, उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, ये मैं इस तरह करके नहीं करूँगा। अब मैं बोलूँगा कि जी डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, एड इवेंट लिसनर के बाद क्या होगा जी, सबमिट, और सबमिट के बाद कॉमा डाल के ये पूरा का पूरा फंक्शन। ठीक है, सबमिट के बाद कॉमा डाल के पूरा का पूरा फंक्शन होगा ये। ठीक है, मुश्किल तो नहीं, आसान है। और यहाँ पे गोल ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोजिंग भी लगेगा इसका। तो ये मैंने एड इवेंट लिसनर वाला काम कर दिया इसके साथ। ठीक है जी। अच्छा, एड इवेंट लिसनर तो मैंने कर दिया। अब ये जो एक्सियोस डॉट पोस्ट के साथ ये देन और कैच लगा हुआ है ना, ये भी ES5 वाला मंजन है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को मैं एसिंक बनाऊँगा। एसिंक सब लोगों को पता है, हमने लास्ट डिस्कस किया था एक दफ़ा। एसिंक जब मैं बना दूंगा तो फिर मैं एक्सियोस डॉट पोस्ट जो करूँगा ना उसको मैं ट्राई कैच के ब्लॉक में लिखूँगा। ट्राई कैच का ब्लॉक हमारा बनेगा कुछ इस तरह। अब जो भी चीज़ मैंने ट्राई करनी है ना वो मैं करूँगा ट्राई वाले ब्लॉक में। ठीक है, ये ट्राई वाले ब्लॉक में मैंने इसको कर दिया। और कैच के अंदर मुझे एरर मिला करेगा, ये डॉट कैच ये वाला ना, ये पुराना तरीका है, ये चेन स्टेटमेंट ये सही नहीं है। इसके अंदर बनता है कॉल बैक हेल। ठीक है, कॉल बैक हेल को आप करते हैं अवॉइड। अच्छा, और अब मैं क्या करूँगा, ये एक्सियोस डॉट पोस्ट के बाद ना ये देन नहीं लगाऊंगा मैं। एक्सियोस डॉट पोस्ट के बाद मैं लगाऊंगा कि भाई कॉन्स्ट एक्सियोस रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट। देन में क्या होता था कि यार अच्छा ये काम करो उसके देन ये फंक्शन चला दो। अब हम फंक्शन नहीं चलाते, अब हम बोलते हैं बच्चा इधर रुक जाओ जब तक ये काम होता नहीं है ना, इधर खड़े रहो आप। और उसके बाद क्या करते हैं, हम ये फंक्शन लिखने के बजाय हम ऑटोमेटिकली इसको बोलते हैं कि बस ये सीधा सीधा कोड होगा। और ये कैच वाला जो आइटम है ना, कैच वाले को कट करके मैं कैच में ले आता हूँ। ठीक है, तो ये कैच वाले को मैंने कर दिया कट। अब ये ट्राई का ब्लॉग स्टार्ट है और यहाँ पे नीचे ट्राई का ब्लॉग बंद है। इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको ज़रा मैं हटा दूँ। ठीक है जी, एक्सियोस डॉट पोस्ट। अच्छा, एक्सियोस डॉट पोस्ट में अब मेरा URL क्या होना चाहिए, कमेंट, उसके बाद स्लैश, यूज़र का नाम, जो भी यूज़र है जो कमेंट कर रहा है ना, कुछ इस तरह का होना चाहिए। और उसके बाद स्लैश, कमेंट भी इसी पे डाल दूँ।
चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ, लेकिन कमेंट जो है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो प्राइवेट चीज़ है, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। कमेंट आमतौर पे प्राइवेट चीज़ होती है, जब तक आप लॉगिन नहीं होते आप कमेंट कर नहीं सकते, जब तक कोई बंदा लॉगिन नहीं होता आपका कमेंट वो पढ़ नहीं सकता, मोस्टली तो ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन हमारे स्पेसिफिक केस में हमारा कमेंट बिल्कुल ही पब्लिक है कि कोई भी आएगा कर देगा बगैर लॉगिन साइनअप किए कमेंट कर रहा है बंदा, तो ये असल में बिल्कुल ही पब्लिक है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता कमेंट के लिए, यानी कमेंट इवन रीड करने के लिए आपको किसी ना किसी लेवल की ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है। तो मैं एक पैरामीटर जो है वो यूआरएल में भेज देता हूँ, एक पैरामीटर मैं बॉडी में भेज देता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों चीज़ कवर हो जाए हमारी। अच्छा, और रिजल्ट जब आएगा तो उसको रिजल्ट को मैंने इधर डिस्प्ले करवाना है, वो भी हम देखते हैं कैसे होता है। अच्छा, ये मैंने लिख दिया। अब आप एग्जियोस डॉट पोस्ट के ऊपर जब आप रखेंगे ना यहाँ पे हाथ, यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं मुझे सजेशन दे रहा। एक काम करता हूँ, मैं अपने वीएस कोड को ना बंद करके ज़रा दोबारा खोलता हूँ। सजेशन क्यों नहीं दे रहा यार, अजीब सी बात है यार। अच्छा, इसमें से जरा मिन हटाऊं मैं एग्जियोस में से, अगर फिर यार एग्जियोस डॉट पोस्ट के नाम डॉक्यूमेंट्स में जाके देख लेते हैं, क्योंकि ये तो कर रहा है गड़बड़ कर रहा है बिला वजह की, ठीक है। एग्जियोस के हम डॉक्स में चले जाते हैं कि जी जब मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट करूंगा तो उसमें मुझे बॉडी किस तरह से भेजनी है। वैसे तो मुझे पता है कॉमा करके डालूंगा तो बॉडी चली जाएगी, लेकिन आपके लिए भी तो कोई रेफरेंस होना चाहिए ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी। एग्जाम्पल में गया और एग्जाम्पल में ये गेट की रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल बताया हुआ है, ES5 में बताया हुआ है, 6 में नहीं बताया है, और यहाँ पे पोस्ट की रिक्वेस्ट का भी एक एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है जी। ये पोस्ट की रिक्वेस्ट की एग्जाम्पल आ गई, एग्जियोस डॉट पोस्ट URL, ठीक है। URL अगर सिर्फ स्लैश लिखा है आपने तो बेस URL के साथ ऑटोमेटिकली ऐड करता है वो, उसके बाद जो भी जेसन लिखोगे वो बॉडी में होगा, देन पे रिस्पॉन्स मिलेगा, कैच पे एरर मिलेगा, ये ES5 वाला तरीका है, ठीक है। ES6 का इन्होंने यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं किया, ठीक हो गया जी। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे कॉमा लगा के हम जो भी जेसन यहाँ पे लिखेंगे कॉमा लगा के वो एज अ बॉडी जा रहा होगा ऑटोमेटिकली। कमेंट लिखा मैंने और कमेंट के अंदर मैंने कह दिया इनपुट कमेंट, सही है। और ये जो ये वाला यूज़र था इसकी जगह पर मैंने क्या करना है, अब इसकी जगह पर मैंने ये लगा दिया इनपुट नेम, जो है बंदे का नाम क्या होगा ये लगा दिया मैंने, ठीक हो गया भाई। तो ये मैंने दोनों पैरामीटर जो है एक बॉडी में और एक URL पैरामीटर में भेज दिया। क्वेरी पैरामीटर भी इसी तरह जाएगा, URL में आप यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क हाथ से, उसके बाद आप लगाएंगे जैसे मिसाल के तौर पे नेम इक्वल्स, और उसके बाद यहाँ पे जो भी नेम की वैल्यू है वो आप लगा देंगे इस तरह करके, तो इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, ये मैंने कर दिया पोस्ट। अब मैं जो रिस्पॉन्स भेजूंगा वहाँ से वो भी मैं भेजूंगा जेसन में, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, अभी तक मैंने API बनाई नहीं है, लेकिन मैंने भेजना जेसन में ही है ये मुझे पहले से पता है। तो रिस्पॉन्स को मैं करा देता हूँ कॉन्सोल, ठीक है, एग्जियोस रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट करके मुझे बॉडी मिलती है, डेटा के बाद क्या मिलती है, नहीं डेटा पूरा बॉडी ही होता है आई थिंक, एक मिनट यार यहाँ से देख लेते हैं ज़रा इसको भी। वेल अभी आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा, डेटा में आई थिंक वो डायरेक्ट बॉडी ही होता है, ठीक है जी। और इसको मैंने कॉन्सोल करवा लिया, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसमें जो कॉन्सोल आएगा ना वो कुछ इस तरह का आएगा कि जी मैसेज
और कमेंट पोस्टेड सक्सेसफुली, इस तरह का एक मैसेज मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बॉडी में यहाँ से मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, इस तरह का एक मैसेज मैं भेज रहा हूँ और वो कमेंट मेरा पोस्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करूँगा मैं, मेरे पास जो फ्रंट एंड है ना उसमें भी मैंने क्या करना है, वो कमेंट डिस्प्ले भी तो कराना है ना, तो मेरे पास ये दोनों डेटा मौजूद है, मैं फ्रंट एंड पे उसको हाथ से ही क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा मेरे स्क्रीन के ऊपर, जिससे वो मेरे पास ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। तो क्वेरी सेलेक्टर मेरा रिजल्ट है इसमें, बट मुझे क्या करना है, रिजल्ट तो नहीं था इसमें मेरा, इसमें कुछ और नाम रखा था मैंने उसका, इसमें मैंने क्या नाम रखा था, अच्छा मैंने उसका कोई नाम ही नहीं रखा अभी। इसके अंदर मैं एक बना देता हूँ डिव, ठीक है, जो कमेंट्स के अंदर है वो डिव जो, और इसका मैं एक आईडी दे देता हूँ उसको, प्रीवियस कमेंट्स, इस तरह करके लिख सकते हैं मे बी हम, ठीक है, प्रीवियस कमेंट्स करके मैंने यहाँ पे एक बात बना दी, और प्रीवियस कमेंट के अंदर आके मैं क्या कर देता हूँ, एक डिव बना देता हूँ जो कि ईच कमेंट होगा, हर एक कमेंट का भी कोई ना कोई सिंटैक्स होगा, ठीक है। मैंने बोला भाई क्लास आपका है क्या है, कमेंट, और इसके अंदर क्या होगा जी, बंदे का नाम होगा, ठीक है, बंदे का नाम यहाँ पे होगा, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया कि जॉन डकेट, और उसके नीचे जो है वो पैराग्राफ में लिखा हुआ होगा कमेंट, ठीक है, कमेंट टेक्स्ट, और इसमें मैंने वो रैंडम अभी फ़िलहाल ऐसे कोई टेक्स्ट ऐसे लिख दिया, रैंडम टेक्स्ट लिखना है तो फिर ऐसे क्यों लिखेंगे हम उसको, इसको हम लिखेंगे ऐसे, अब ज़रा देख लेते हैं कि फ्रंट एंड पे किस तरह से दिख रहा है। ये क्या हुआ, सर्वर मेरा ब्रेक हो गया, ये क्या एरर है भाई, एक्सप्रेस जेएस हेलो वर्ल्ड npm रन dev कमांड नॉट फाउंड, नॉट वन नॉट फाउंड, नॉर्डमोन गायब कैसे हो गया अचानक, चलो दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं। सही है, नॉर्डमोन इसको पता नहीं क्यों गायब हो गया था अचानक इसके लिए। तो कुछ इस तरह से ना कमेंट्स मेरे पास आ रहे होंगे, तो ये एक कमेंट आ गया मेरे पास, अब इस पर मैं CSS वगैरह लगा के उसको गोल बॉक्स बॉक्स बना सकता हूँ, लेकिन शायद अभी उसका हमारे पास ना टाइम नहीं है, तो इसको हम फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, ये H2 जो है ना बहुत बड़ा हो गया, इसको मैं कर देता हूँ हाँ कमेंट पे बॉर्डर बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, H4 कर देता हूँ इसको मैं, ताकि ये थोड़ा सा जो है ना और छोटा हो जाए मज़ीद, ठीक है, या मे बी मैं इस H4 को अगर इसके अंदर ले आऊँ तो कैसा रहेगा, अच्छा नहीं वो अंदर तो H4 ब्लॉक लेवल है ना, अंदर नहीं आएगा इसके वो, खैर ठीक है, उस पर क्लास लगाई हुई हमने, अब हम चाहें तो उस पर बॉर्डर हम लगा सकते हैं, मिसाल के तौर पे कमेंट करके जो मेरे पास है उस पर मैंने लगा दिया बॉर्डर 1 pixel सॉलिड ब्लैक, ठीक है, कुछ मुझे इस पर जो है ना वो मार्जिन भी देना पड़ेगा, मार्जिन टॉप 2 rem, ठीक है, ये बल्कि 1 rem करते हैं, 2 बहुत ज़्यादा होगा, और मैंने इस पर कहा कि जी बॉर्डर रेडियस 20 pixel, अच्छा फिर मुझे पैडिंग भी देनी होगी इस पर, ठीक है जी, पैडिंग भी दे दी, अब ये वाली CSS सारी मैं किस पे लगा दूंगा जाके,
ये वाली सी एस एस सारी मैं जो कॉमेंट करके मेरी क्लास मैंने लगाई ना कॉमेंट, उस पर जाके मैं ये लगा दूँगा। कहाँ है मेरा सी एस एस? सी एस एस लिखा ही नहीं मैंने इसमें। वाओ सही है, रिफ्रेश किया मैंने, ये लगा हुआ आ गया। अब जितने भी कमेंट्स आएंगे वो इसी तरह मेरे पास आएंगे। तो अब मैंने क्या करना है, इस तरह का जो HTML है ना, ये मेरे पास ऑब्वियसली बना हुआ तो नहीं है, ये मेरे पास पहले खाली होगा, नो कमेंट्स आ रहा होगा इस पर। और मैंने क्या करना है, उसके अंदर ये बना के पूरा पुश करना है, ये वाला पूरा आइटम ना मैंने बना के इसमें पुश करना है। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कट, और मैं इसको लेकर आ जाता हूँ अब नीचे, ठीक है। प्रीवियस कमेंट्स के अंदर ला के मैंने इसको पुश करना है। मैं आता हूँ जी इसके अंदर, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जी प्रीवियस कॉमेंट डॉट इनर HTML में प्लस इक्वल्स टू, इसको भी असूलन मुझे वो एड चाइल्ड और अपेंड चाइल्ड वाले तरीके से करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हम इसको इस तरह से कर रहे हैं। और उसके बाद मैं बनाऊँगा ये पूरा का पूरा HTML इसके अंदर, ठीक है। हर दफ़ा मैं क्या करूँगा, ये पूरा कमेंट का एक ना पूरा डब्बा इसके अंदर ऐड करूँगा, और इसके अंदर मुझे ये जो जॉन डकेट है इसकी जगह पे क्या लगाऊँगा, मैं इसकी जगह पे मैं लगा दूँगा जो भी कमेंट किया है जो भी बंदे का नाम है, सही है। और इसका जो एक्चुअल कमेंट है यहाँ पे पूरा, उसकी जगह पर मैं क्या लगा दूँगा, जो भी बंदे ने एक्चुअल कमेंट किया है वो लगा दूँगा, ठीक है। क्या था जी, कमेंट इनपुट, जी भी। तो अब मैंने जो ये चीज़ यहाँ पे पकड़ी है अपना कमेंट मैंने बॉडी में भेजा है, और मैंने URL पैरामीटर में ये नेम भेजा है। अब सर्वर पे आके मुझे क्या करना है, इसकी एक अदद API बनानी है। तो मैं जल्दी से क्या कर लेता हूँ, मैंने कहा ऐप डॉट पोस्ट, और इसमें मैं एक URL लगा लेता हूँ कि जी स्लैश क्या होगा मेरा, कमेंट होगा, क्या किया था मैंने, यही किया था ना, कमेंट किया था, हाँ स्लैश कमेंट स्लैश बंदे का नाम होगा, सही है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और ये नेक्स्ट कर दिया मैंने। सबसे पहले मैं इसमें क्या पकड़ूंगा, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट नेम, ये बंदे का नाम आ गया मेरे पास, ठीक है। और कॉन्स्ट कॉमेंट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कॉमेंट, ये वाली बात आ गई। इसी तरह मैंने भेजा है यहाँ पे सर, कॉमेंट में भेज दिया। अच्छा, इसको अब मैं क्या करूँगा, एक मेरे पास जाहिर है लोकल वेरिएबल होगा यहाँ पे, मैंने कहा लेट, अच्छा लोकल वेरिएबल बनाना इज़ नॉट रिकमेंडेड, लेकिन अभी तक क्योंकि हमने डेटाबेस नहीं कनेक्ट किया तो हम इसलिए लोकल वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि यार कमेंट्स, और कमेंट्स करके मैंने ना इसको एक एम्प्टी एरे बना दिया, और एम्प्टी एरे बना के मैंने क्या किया, मैंने कहा जी कमेंट्स डॉट पुश, और ये नेम और कमेंट इस तरह करके मैंने यहाँ पे पुश करवा दिया। और ये करने के बाद मैंने बोला रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड में मैंने एक जेसन भिजवा दिया। वो जेसन कैसा होगा, जैसा मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था ना कि जी ऐसा भिजवाऊँगा मैं जेसन, वो मैंने उस तरह का जेसन यहाँ पे भिजवा दे रहे हैं, सही है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर मैंने ये कहा था जेसन भेजा है जिसमें सिर्फ मैसेज है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इस मैसेज को मैंने अलर्ट वगैरह में किसी चीज़ में अगर मैं चाहूँ तो मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है मैसेज को डिस्प्ले कराना। अच्छा, फिर इसी का एक क्या बनेगा, इसी का एक वर्जन बनेगा गेट वाला, गेट और कमेंट में एस लगा दिया मैंने, इसका मतलब है ये एक से ज़्यादा चीज़ रिटर्न करता है। और इसके अंदर जब रिस्पॉन्स डॉट सेंड भेजूंगा मैं तो क्या करूँगा, मैं इसके अंदर ये पूरा कमेंट्स पूरा ऐसे करके भेज दूंगा मैं। तो मैंने पोस्ट भी बना लिया इसका और मैंने गेट भी बना लिया। अब क्या होगा, जब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ आके, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैंने कहा जी मलिक और ये कुछ मैंने कॉमेंट लिखा और पोस्ट का बटन दबाया, ये अभी भी वो क्यों हो रहा है, रिफ्रेश क्यों हो रहा है, रिफ्रेश ये इसलिए हो रहा है कि मैंने वो प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट नहीं लगाया,
सही है, मैं इसको अगेन रिफ़्रेश करता हूँ, और मैंने कहा जी मलिक, और मैंने कुछ यहाँ पे कमेंट लगा के और मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक है, अबे ये क्या हो रहा है? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे मैंने ऐसे करके सबमिट लगाना था। क्या था इस फॉर्म का नाम मेरे मेरे इस फॉर्म का क्या नाम था भाई जिससे मैं कमेंट लेता था? ये है मेरा फॉर्म, ये है मेरे फॉर्म की आईडी, तो इसके ऊपर मैंने जो है ना सबमिट लगाना था। ठीक है, अगेन रिफ़्रेश किया मैंने सारे मसले को निपटा के, और मैंने कुछ कमेंट लगाया और मैंने पोस्ट किया। ठीक है, रिस्पॉन्स आ गया मेरे पास, कमेंट पोस्टेड सक्सेसफुली, लेकिन ये अभी भी चल रहा है, ये क्या चक्कर है यार? ये अभी भी चल रहा है, एक मंजन इसका ऐसा क्यों हो रहा है? विंडो डॉट गेट डॉट फंक्शन, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, ऊपर से कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। पोस्ट कमेंट फॉर्म, और इसका इस पर तो कोई आईडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्यों डिस्प्ले हो जाता है कि एरर इन गेटिंग वेदर डेटा? ये एरर इन वेदर गेटिंग वेदर डेटा मैंने कहाँ लगाया है और किस कंडीशन पे लगाया है भाई? ये तो फंक्शन जब तक चलेगा नहीं जब तक तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने एक फॉर्म के अंदर दूसरा फॉर्म लगा दिया है? ऐसी सूरत में हो सकता है ये काम? ये एक फॉर्म बिल्कुल अलग है और उसी पेज पे ये दूसरा फॉर्म बिल्कुल अलग है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इनका नेम भी अलग है, आईडी भी अलग है, सब कुछ अलग है। वेल, अब ये पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा भाई कि एक पे मैं पोस्ट करता हूँ तो दूसरे पे ये आ जाता है लिखा हुआ एरर इन गेटिंग डेटा। अब आई एम नॉट श्योर कि ये ऐसा किस वजह से हो रहा है। टाइप सबमिट तो अंदर होता है ना यार, इसके टाइप सबमिट से इसका क्या ताल्लुक है? पता नहीं, एक अजीब सा फिनोमेना है ये। अच्छा, तो ये हो गया जी। अब मेरा कमेंट पोस्ट तो हो जाता है, पोस्ट होने का मुझे पता कैसे चलेगा? पोस्ट होने का मुझे पता ऐसे चलेगा कि मैं ये कमेंट यहाँ पे कंसोल करा के देख लूँगा, तो ये कमेंट कंसोल हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा। अब अगला काम मैंने क्या करना है? अगला काम मैंने ये करना है कि यार यहाँ पे आके ना मैंने एक और फंक्शन बनाना है, जो कि क्या होगा, जो कि कोड चलते ही रन हो जाएगा। मैं एक और फंक्शन यहाँ पर बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी कॉन्स्ट गेट ऑल कॉमेंट्स। सही है जी, इसको हम जल्दी से बना के फिर हम ख़त्म करते हैं क्लास अपनी। और यहाँ पे आके मैं क्या बोलूँगा? एग्जियोस्ट डॉट गेट, और एग्जियोस्ट डॉट गेट करके मैं बोलूँगा कि भाई स्लैश कॉमेंट्स। सही है, स्लैश कॉमेंट्स मैंने लगाया ना इधर। सही है, स्लैश कॉमेंट्स, दैट्स इट। इसमें कोई बात नहीं पूछ रहा, मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा। एग्जियोस्ट डॉट गेट करूँगा स्लैश कॉमेंट्स, और इसको एसिंक करूँगा मैं, ताकि मैं यहाँ पर अवेट लगा सकूँ। ठीक है, मैंने कहा कॉन्स्ट एग्जियोस रिस्पॉन्स इक्वल्स टू एग्जियोस डॉट, यहाँ पे अवेट लगा दूंगा मैं। ठीक है, और जो भी रिस्पॉन्स मेरे पास आता है, जो भी रिस्पॉन्स मेरे पास आता है उसको मैं कॉन्सोल करा दूंगा। कॉन्सोल डॉट लॉग एग्जियोस रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो यहाँ पे वो चीज़ क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। एग्जियोस डॉट एग्जियोस रिस्पॉन्स डॉट डेटा में मेरे पास क्या आएगा? एक अदद एरे आएगा। ठीक है, इस एरे के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ? इस एरे के ऊपर जो है वो ये एक होगा मेरे पास, एक अदद एरे। ठीक है, इस एरे के ऊपर मैं चलाऊँगा मैप। मैंने कहा एग्जियोस रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैप। मैप क्या करता है? आइट्रेट करता है पूरे वाले पूरे एरे के ऊपर। सही है, मैं बोलूँगा जी ईच कमेंट मुझे इस तरह करके मिल रहा होगा, और हर कमेंट को मैं क्या करूँगा? ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करके उसको मैं पुश कर दूंगा यहाँ पे। मैं बोलूँगा ईच कमेंट डॉट ईच कमेंट डॉट नेम इनपुट और ईच कमेंट डॉट कमेंट। मैंने ऐसी रखा है सर्वर पे, नहीं सर्वर पे जस्ट नेम और कमेंट है। ठीक है जी, आते हैं जी, रिफ़्रेश करते हैं। ये क्या हुआ? अच्छा, इसको फंक्शन को मैंने बना तो दिया, लेकिन मैंने इसको कॉल
नहीं किया है। इसको कॉल भी तो कर देते हैं ना। अच्छा, इसको कॉल मुझे असूलन करना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के ऊपर। ठीक है, ये देखो इसको ना ये मिल ही नहीं रहा, इनर एचटीएमएल ही नहीं मिल रहा। अब ये इनर एचटीएमएल इसको क्यों नहीं मिल रहा है? वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि ये फंक्शन बहुत जल्दी चल जा रहा है, ये फंक्शन बहुत जल्दी चल जा रहा है, इसलिए इसको ये मिल नहीं रहा। प्रीवियस कमेंट्स का इसको ये मंजन ही नहीं मिल रहा। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा डिले करवा दूं, मैं सेट टाइम आउट लगा के ना इसको मैं थोड़ा सा डिले करवा दूं। सेट टाइम आउट लगा के मैं इसको क्या करूं, थोड़ा सा मैं इसको डिले करवा दूं। मैं बोलूं भाई कि आप चलो कितनी देर के बाद, 100 मिली सेकेंड आप रुक जाओ, उसके बाद चल जाना आप। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। वो हमने जो पहले डॉक्यूमेंट डॉट रेडी वाला काम किया था ना, वो सही प्रैक्टिस। ये क्या हुआ, इसको अभी भी क्यों नहीं मिल रहा? प्रीवियस कमेंट्स सही तो है। अच्छा, कमेंट में एस नहीं लगाया मैंने, ये मैंने गड़बड़ कर दी है। और इधर मैंने पीछे वाले में एस लगाया था, इसमें भी एस नहीं लगाया था, तो इसमें मिल कैसे रहा था? सही है, रिफ्रेश किया तो अभी तक के जो कमेंट्स थे वो यहाँ पे मेरे पास आ गए हैं। लेकिन इसका एक मेरे पास क्या है भला, एक डाउन साइड है। जैसे ही मैं सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ, जैसे सर्वर को मैं रोकता हूँ और रोक के दोबारा चलाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये सारे कमेंट्स क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। क्योंकि ये कमेंट किस पे बेस कर रहे होते हैं, ये लोकल वेरिएबल पे बेस करते हैं। और लोकल वेरिएबल किस वक्त तक रहता है? जब तक मेरा सर्वर ऑफ नहीं हो जाता, मेरा सर्वर शट डाउन नहीं हो जाता, या मेरा सर्वर रीस्टार्ट नहीं हो जाता, जब तक ही लोकल वेरिएबल वहाँ पे मौजूद रहते हैं। जैसे ही मेरा सर्वर रीस्टार्ट होता है, लोकल वेरिएबल सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि एक सर्वर के ऊपर जब API कॉल की जाएगी तो उस पर किस किस तरह से इनपुट लिया जाता है और किस किस तरह से आउटपुट लिया जाता है, उसमें से हमने सिर्फ एक तरीका पढ़ा है, जेसन वाला। एक तरीका और है, वो हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। दो हैं बल्कि और, जो मोस्ट कॉमन, वैसे तो चार पांच हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमन है ना, ये हैं वो सारे तरीके, यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, ये हैं वो सारे तरीके जिसके ज़रिए रिस्पांस भेजा जा सकता है। लेकिन हम इसमें से कौन सा पढ़ेंगे, हम रिस्पांस डॉट जेसन, रिस्पांस डॉट सेंड और रिस्पांस डॉट सेंड फाइल, ये तीन हम पढ़ेंगे जो मोस्ट कॉमन है। एक रिडायरेक्ट भी, ये भी, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तीन चार हम इसमें से बहरहाल पढ़ लेंगे और बाकी इंशाल्लाह फिर हम जब काम करते करते थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे। ठीक है जी, चलें।